गाइस 2023 आधा खत्म हो चुका है और इंडिया में 5G लॉन्च हो गया था 1 अक्टूबर 2022 को, लेकिन आज के डेट में भी 5G कहां तक पहुंचा है आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। 5G से ज्यादा तो दोस्तों BSNL का 4G ही है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये दोस्तों आने वाले समय में काफी ज्यादा और लोगों को अट्रैक्टिव करने वाला है और इसकी कस्टमर पावर बढ़ने वाली, क्यों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे 5G के बारे में, तो दो हमारे देश में कंपनी ऐसी है कि जो कि बहुत तेजी से काम कर रही है और एयरटेल ने दोस्तों दावा किया कि हम 5000 सिटी में ऑलरेडी 5G जो है कि लगा चुके हैं और यही पे दोस्तों जियो भी है, ये भी कह रहे हैं कि दोस्तों हम 5000 प्लस जो है कि सिटी में ऑलरेडी 5G लगा चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का टावर जो है कि 5G तो आता है लिखा हुआ, लेकिन अभी रिचार्ज की बात करें या सिम की बात करें तो ये दोस्तों अभी बिल्कुल नहीं कुछ हो पा रहा है। हालांकि जियो और एयरटेल ये दोनों कंपनी अपनी 5G सिम प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन दोस्तों अभी लोगों के कुछ प्रॉब्लम और आ रही हैं और हर जगहों पे इंडिया में अभी 5G नहीं पहुंच पाया है। अगर बात कर ले दोस्तों मेट्रो सिटी के बारे में, तो मेट्रो सिटी जो भी है यहाँ पे भी 5G अभी हर जगहों पे नहीं चल पाया है, सिर्फ कुछ एरिया में ही 5G चल रहा है जहां पे स्पीड कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रही है, 600 तक मिल रही है, 500 तक मिल रही है, 700 तक मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी 5G के बारे में बात करें तो 5G को आने में लगता है कि 2024 भी निकल जाएगा जिस स्पीड से इंडिया में काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BSNL जो हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इसको कई बार रिवाइवल पैकेज मिल चुका है, ये अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को आगे अपग्रेड कर रही है, लेकिन अपग्रेड करके भी ये पुरानी टेक्नोलॉजी ही ला रही है 4G। दोस्तों इस समय 5G का जमाना है, लेकिन फिर भी जो है कि BSNL 4G लेकर के आ रही है। 4G लाने के पीछे इसका मकसद ये है दोस्तों, क्योंकि इसके पास अभी 3G चल रहा था, जब तक ये 4G में नहीं आएगा तब तक ये 5G में अपग्रेड नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये TCS के साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है और TCS कंपनी जो है दोस्तों उसको 2 लाख टावर लगाने का भी टेंडर ऑलरेडी दिया जा चुका है और ये कंपनी जो है दोस्तों की जितने बॉर्डर के एरिया के आसपास गांव है वहां पे बहुत ही तेजी से टावर भी लगा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि BSNL को जो फिर से जिंदा किया जा रहा है न कि शहर के लोगों के लिए, ये दोस्तों ज्यादातर सरकार कर रही है गांव के लोगों के लिए और ये जो दोस्तों हैं बॉर्डर के एरिया के आसपास, क्योंकि वहां पे कोई और उनको साधन तो मिलता नहीं है, कमाई के जरिए तो कुछ है नहीं, वहां पे कोई भी इंडस्ट्री तो है नहीं और आज तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वहां पे टावर भी नहीं लगाई है, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि वो लोग और 4G को भी अफोर्डेबल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये सरकार ने किया कि 4G लॉन्च कर रही है और बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड भी कराएगी। इस वजह से दोस्तों एक बार इंडिया में फिर से BSNL का जमाना आने वाला है और BSNL जो बहुत ही तेजी से लोग उसको परचेज भी करेंगे, उसको यूज भी करेंगे, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी अब जो कि पहले जैसे नहीं रह गई है, बहुत ही ज्यादा इसमें डेवलप किया जा रहा है और सरकार भी ऑलरेडी इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगा चुकी है। तो क्या है, सरकार का पैसा वेस्ट होगा? जी नहीं, आने वाले समय में BSNL 4G बहुत ही तेजी से काम करेगा और इस पे लोग जाएंगे। जाने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि दोस्तों 5G जो आने वाला है वो बहुत ही महंगा हो जाएगा और महंगा होने के बाद दोस्तों लोग सस्ते की तरफ एक बार भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए लोगों के पास जो 2 सिम स्लॉट है उसमें एक लोगों का BSNL भी हो सकता है। इस वजह से दोस्तों BSNL जो है कि काफी अच्छा खासा अपना एक कस्टमर पावर फिर से लाने वाला है। वैसे मैं बात करूं करंट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों 10 करोड़ से भी कम रह गए हैं BSNL के पास पूरे कस्टमर पूरे इंडिया में। पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।